वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर एपिसोड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। यार अगर आपने सुना हुआ है चर्सी टिक्का के बारे में तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती होगी, यार बारबेक्यू, दुम्बा कढ़ाई, चपली कबाब और लैम्ब चॉप्स। लेकिन भाई इससे हटके भी इस दुनिया में और रंग है चर्सी टिक्का के। चर्सी टिक्का का वो रंग है जो भाई कल रात को आशना हुआ लोगों के आगे। इतने अरसे थे तो लोगों ने इसको इग्नोर किया हुआ था यार, लोग समझ रहे थे यार इट इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ बेस्ट फूड प्लेस। लेकिन यहाँ पे भाई कुछ और भी सिखाया जाता है। वहां पे एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जो कि आप सबको ऐसी दवाई देगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस डॉक्टर का नाम है निसार चर्सी टिक्का डॉक्टर। सर चर्सी सिक्स डॉक्टर इज द सेक्स डॉक्टर। यस यस वेरी गुड। टीका खाएगा टीका टंग 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 टंग। अबे ये चाचा किस लाइन में आ गया भाई? चाचा तुम बिरयानी बनाओ भाई, तुम टिक्के बनाओ, तुम काबली पुलाव खिलाओ लोगों को, चांपे खिलाओ भाई, तुम टिक्के खिलाओ, ये क्या कौन सी लाइन में आ गया भाई? गोरा बंदा देख के भाई तुम कौन सी गुफ्तगू शुरू कर दी भाई? कल रात की न्यूज है कि चर्सी टिक्का का जो ओनर है निसार भाई, ये चाचा जो है हमारा फेवरेट, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तार करने की वजह बनी है इसकी टिकटॉक की वीडियोज, जो इसने टिकटॉक पे अपने अकाउंट पे लगाई थी ऑफिशियल अकाउंट पे। उस टिकटॉक वीडियोज में भाई इसने ऐसी ऐसी हरकतें की है ना, मतलब ये जैसे देखता था ना कोई फॉरनर भाई, इसका बस नहीं चलता था कि उसको भी भाई कपड़े उतार के, उसकी चर्बी उतार के, उसके भी टिक्के बना के और खुद खाए, किसी और को शेयर भी ना करे भाई। इसकी टिकटॉक अकाउंट भी चलते हैं और वजह जानते हैं कि भाई ये इसकी वजह क्या बनी इसकी गिरफ्तारी की, पुलिस को इसकी क्या कंप्लेन इसके खिलाफ आई, क्या लोगों को इसके अंदर दिखा ऐसा कि लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेन कर दी, FIR कटवा दी और इसको जेल बंद करवा दिया। सबसे पहले जो वीडियोस कल रात को इसकी वायरल हुई उसमें से एक वीडियो के क्लिप्स ये हैं कि चाचा साहब देखो गोरियां दो आई हैं इस बेचारे के पास। इसने कहा है कि भाई बड़े अरसे बाद मेरे पास ना कोई लाठ वाली चीज आई है। तो इसने अपनी तरफ से निसार चाचा वले 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 चाचा वले, क्या जरूरत है तुझे जवानी के रंग दिखाने की बुढ़ापे में? जब तू जवानी के रंग बुढ़ापे में दिखाएगा तो जाहिर है लोगों को तो बुरी लगेंगी चीजें। और भाई बात यहाँ तक नहीं खत्म हुई भाई, इसने तो कोरियंस को भी नहीं छोड़ा भाई। BTS वालों तुम लोगों के लिए मैसेज है, अगर तुम लोग गलती से निसार चर्सी टिक्का चले गए तो भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में है तुम लोगों के भाई, क्योंकि ये देखो कोरियंस के साथ ये ऐसे करता है। तो यार चलते हैं इसके टिकटॉक अकाउंट पे देखते हैं ऐसा है क्या यार, मतलब कि मैंने तो दो चीजें देखी हैं, एक ये आंटी वाली पिक्चर और एक ये जनकुक के साथ जो इसने बलात्कार किया वो वाली पिक्चर। अब देखते हैं कि एक्चुअली वीडियोस है कौन सी ऐसी वीडियोस हैं इसके अकाउंट में जो इनकी वजह से इसके खिलाफ FIR कट गई है। यार इस वक्त निसार चर्सी टिक्का का ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट है जिसका नाम है निसार चर्सी। तो भाई चलो चलते हैं देखते हैं चाचे के करामात क्या हैं, चाचे ने क्या क्या ऐसी हरकतें की हैं कि इसको FIR कटवानी पड़ेगी इसके खिलाफ लोगों को और इसको जेल बंद करवाना पड़ा। क्या जरूरत है उसके कंधे पे हाथ रखने की? ओ चाचा इट इज बेस्ट। ओ भाई सही है भाई सही है भाई, ये चीज भाई छोड़ा किसी को नहीं हो, बेचारी बच्ची की शक्ल देख यार कैसे जान छुड़ा रही है, किस किस्म जल्लाद किस्म का आदमी मेरे मथे पड़ गए। माँ साथ खड़ी है, बाप साथ खड़ा है, उनको सी हाथ लगाना है भाई। छोटा गोश ओ ब्रटली तू कहाँ लेके आ गया अपनी फैमिली को चाचे के हाथ पे, तुम लोगों को भी ब्रटली नहीं लग रहा? ये देख एक ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है और एक चाचा ने खुद छोटा पीस लिया हुआ है भाई ये मेरा पीस है। चाचे की एक चीज तुम ध्यान रखोगे, एक खड़ी होती है हमेशा उंगली हमेशा खड़ी होती है चाचे की, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे, मतलब ये खड़ी होती है रोज। ओ ये मिल गया, ये चीज असल मिली है चाचे को, ये चीज इसको पसंद है। Nice. बस भाई ये कि फार में दोनों को कवर अप करना है चाचा ने। सही है भाई तभी तो तेरे पे FIR होती है, तेरी ऐसी हरकतें हैं, इंसानों वाले काम करेगा तू। आगे चलते हैं भाई, वो बेचारी अपनी तरफ से शरीफ होके पाकिस्तानियों वाले कपड़े पहन के आती है, लेकिन उनको क्या पता है यहाँ पे एक टिक्के के नाम पे एक जल्लाद बैठा है पुरुष जो जफियां डालने में स्पेशलिस्ट है। इसकी स्पेशलिटी टिक्के के अलावा जफियां डालना भी है भाई, हर किसी को जफियां डालता है। उसने कहा भाई सेलिब्रिटीज में जब ये जफियां डालना आम है तो मैं जफियां डालने में क्या फर्क है? देखो वो बेचारी अपनी तरफ से शरीफ हो गया, ये मुसलमानों वाले कपड़े पहन के आई, लेकिन चाचा ने कहा कि नहीं मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगा भाई, हमेशा तू जो मर्जी कपड़े पहन के आ भाई। चाचे ने तो कर दी तबाही डाल के, चाचे को तो अभी पुलिस ने कर लिया है बंद, उसकी जो औकात थी उसको पुलिस ने दिखा दिया कि भाई तू जो हरकतें कर रहे ना चाचा, इन हरकतों की वजह से अंजाम यही होना है कि तुझे पुलिस ने डक देना है। और चाचे को पता नहीं अब इससे सबक आता है नहीं, लेकिन ये कि अवाम ने जिसने जो इसका खाती थी इसका नमक
खाती थी, इसी के तिक्के खा खा के उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेन करा दी, यार तुम लोगों ने नमक हरामी कर दिया, मतलब तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता था भाई, वो गोरे लोग थे, गोरों को अगर मसला था तो वो खुद कंप्लेन कराते हैं, तुम लोगों ने क्यों कंप्लेन कराई भाई, सेलिब्रिटीज में जब जफियाँ चप्पियाँ पपियाँ आम है, तो चाचा ने कहा भाई मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, मैं भी आम बनाता हूँ इन चीज़ों को, मैं भी जफियाँ डालता हूँ, देखो जिस सेलिब्रिटी को देखो भाई, जिस जहाँ पे उनकी मीटिंग देखो या कोई इवेंट देखो भाई, एक दूसरे को जफियाँ डाल रहे थे, चूम रहे थे, उसने कहा यार भाई ये तो आम सी चीज़ है भाई सेलिब्रिटीज़ में, मैं भी सेलिब्रिटी तो मैं भी वही हरकत करूँगा, चाचा ने वही हरकत किया, लेकिन ये कि ना उसके इर्द गिर्द के जो से टिक्के वाले थे ना, पोडरी टिक्का वाला और अफीम टिक्के वाला और जिसको कहते हैं ना गांजा टिक्के वाला, उन सब ने चरसी टिक्के वाले के खिलाफ एफ आई आर कटवा दिया और उस बेचारे को बंद करा दिया। यार हमारी दुआएं यार के चाचा इंसान का बच्चा बन के निकले और ऐसी हरकतें बंद करें, और जो भी है इसको एक पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जा सकता था, क्योंकि पॉलिटिकली ये पीटीआई का फॉलोअर था और पीटीआई को सपोर्ट करता था, इस वजह से भी हो सकता है इसके खिलाफ भी केस किया हो लोगों ने पर्सनल ग्रज की वजह से, क्योंकि आजकल डेफिनेटली ये चीज़ भी एक काफ़ी हाइप पे है, तो आई डोंट नो रियलिटी क्या है इसके पीछे क्या नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे नजर आया है कि लोगों को जो फॉरनर्स आए तो उनको इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, जो भी इससे हाथ मिला रहा था जो इससे जपियाँ डाल रहा था। इसी मैसेज के साथ यार कि इस चीज़ें को इस तरह की चीज़ें जो उनसे ना माशरे में होती रहती हैं और आम है, लेकिन ये कि इसी गलत को गलत कहना चाहिए और हम भी इस गलत को गलत ही कह रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बस रखे अलग के, टेक केयर, अल्लाह।